गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ कोमल सहानी, सीनियर लेक्चरर CDTM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर, थर्ड ईयर, सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ फैशन, थर्ड सब्जेक्ट कोड CD303, थ्योरी एंड ट्यूटोरियल, यूनिट नंबर 5, ब्रीफ नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट 2, 4, एंड द सब टॉपिक इज 5.2 फैशन ट्रेड फेयर्स। Key contents are the characteristics of exhibition and purpose of exhibition. Exhibition. A traditional exhibition is a large-scale event that uses a variety of media and means to promote products, corporate image, and establish the good public relations. एक पारंपरिक प्रदर्शनी एक बड़े पैमाने पर घटना है जो उत्पादों कॉर्पोरेट छवि को बढ़ावा देने और अच्छे सार्वजनिक संबंध स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मीडिया और साधनों का उपयोग करती है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर, यानी अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंट्यूटिव विजुअल एंड विविड वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये संचार का एक जटिल, सहज, दृश्य और विशद तरीका है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर टू वे डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द पब्लिक। इट इज़ अ हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन मेथड। ये जनता के साथ दो तरफा सीधे संवाद का अवसर प्रदान करता है। ये एक अत्यधिक केंद्रीकृत और कुशल संचार विधि है। Third, it is a comprehensive and large-scale public special event and the event is a good subject for news reporting. ये एक व्यापक और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विशेष कार्यक्रम है और घटना समाचार रिपोर्टिंग के लिए ये एक अच्छा विषय है। Fourth है, they are entertaining and can attract a large volume of visitors. Most companies are treating the exhibition as a great opportunity for them to form, to shape and display their best image to the public. जो exhibitions हैं वे बहुत ही मनोरंजक हैं और बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित कर सकते हैं और अधिकांश कंपनियां प्रदर्शनी को आकार देने और जनता के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ छवि प्रदर्शित करने के लिए एक महान अवसर के रूप में होती है। अब हम पढ़ेंगे द पर्पस ऑफ द एग्जीबिशन। मेन ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट इज commercial exhibitions generally called trade fairs, trade shows or expos are usually organized so that organization in a specific interest or industry can showcase and demonstrate their latest products, study activities of rivals and examine the recent trends and opportunities. व्यवसायिक प्रदर्शनियों जिन्हें आमतौर पर ट्रेड फेयर, ट्रेड शो या एक्सपोज कहा जाता है आमतौर पर आयोजित किए जाते हैं ताकि एक विशिष्ट हित या उद्योग में संगठन अपने नवीनतम उत्पादों, सेवा, प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों का अध्ययन और प्रदर्शन कर सकें और हाल के जो ट्रेंड्स और रुझान हैं और अवसरों की भी जाँच कर सकें। सेकेंड इज गैदर the useful information. Through the exhibition can gather the information from peers, can grasp the development trend of the competitors and can determine the correct strategy for the company. And besides, some industry exhibitions also hold the numerous industry forums and seminars and further understand the industry and gain more information through the conference. अर्थात
उपयोगी जानकारियां जुटाएं या जुटाया जाता है। प्रदर्शनी के माध्यम से अपने साथियों से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, प्रतियोगियों के विकास की प्रवृत्ति को समझ सकते हैं, कंपनी के लिए सही रणनीति निर्धारित कर सकते हैं तथा इसके अलावा कुछ उद्योग प्रदर्शनियों में कई उद्योग मंच और सेमिनार्स भी करते हैं और होते हैं और आगे उद्योग को समझ सकते हैं और सम्मेलन के माध्यम से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड इज एग्जामिन द नीड्स ऑफ द लोकल मार्केट। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसमैन टू एग्जामिन द नीड्स एंड पोटेंशियल ऑफ द लोकल मार्केट एंड व्हेन द एग्जिबिटर्स आर गैदर्ड टुगेदर इन एन एग्जिबिशन कैन प्रेडिक्ट योर बिजनेस डेवलपमेंट एंड कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द मार्केट पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्ट्स। अर्थात स्थानीय बाजार की ज़रूरतों को जांच करना, यानी कि जो भी आवश्यकताएं होती हैं जो लोकल मार्केट की, उनको परखना या पहचानना। ये व्यवसायियों को स्थानीय बाज़ार की आवश्यकताओं और क्षमता की जांच करने का या पहचानने का अवसर प्रदान करता है। और जब प्रदर्शक एक प्रदर्शनी में एक साथ इकट्ठे होते हैं या एकत्रित होते हैं तो अपने व्यवसाय के विकास की भविष्यवाणियां भी कर सकते हैं, अपने उत्पादों के लिए भी बाज़ार की क्षमता को भी समझ सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है फाइंडिंग द सूटेबल एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। दे फाइंड द सूटेबल पार्टनर्स बाई टेकिंग पार्ट इन एन एग्जीबिशन दैट इज हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ लोकल एजेंट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट इन एन एग्जीबिशन कैन सिंपली बी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज। वन इज टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड द अदर इज टू लुक फॉर प्रोडक्ट्स। थ्रू द एग्जीबिशन वन कैन ईजिली फाइंड द चैनल्स एंड गेट कनेक्टेड टू द राइट पीपल टू डेवलप देयर बिजनेस। अर्थात खोज करना योग्य एजेंट और वितरकों का। स्थानीय एजेंटों और वितरकों की एक विस्तृत श्रृंखला वाली एक प्रदर्शनी में भाग लेकर एक उपयुक्त साथी को ढूंढा जाता है। एक प्रदर्शनी में भाग लेने वाले अधिकांश लोगों को हम बस दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक उत्पादों को जो बेचता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल आउट करता है, और दूसरा होता है जो उत्पादों की तलाश करता है, विच लुक्स फॉर द प्रोडक्ट्स। प्रदर्शनी के माध्यम से आसानी से चैनल्स पा सकते हैं, यानी कि कोई भी रास्ता जो होता है हमारा सही, उसको ज्ञात किया जा सकता है और अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए सही लोगों से जुड़ सकते हैं। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द इमेज ऑफ द कंपनी। इन द एरियाज वेयर कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड A company can use the exhibition to improve the company's image. And you can also use the exhibition to promote your product's popularity and market competitiveness. And you can showcase your support and help to the local distributors. Company ko sthapit karna aur anurakshan karna un kshetron mein जहाँ ग्राहक और वितरक अधिक केंद्रित होते हैं, और एक कंपनी की छवि को बेहतर बनाने के लिए प्रदर्शनी का उपयोग कर सकती है। और आप अपने उत्पाद की लोकप्रियता और बाज़ार की जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का भी उपयोग कर सकते हैं तथा स्थानीय वितरकों को अपना समर्थन और उनको मदद भी प्रदान कर सकते हैं या फिर हम उन्हें दिखा सकते हैं। सिक्स्थ है सेलिंग द प्रोडक्ट्स टू द राइट कस्टमर। सही ग्राहकों के लिए उत्पादों की बिक्री। थ्रू द एग्जीबिशन टू अचीव द पर्पस ऑफ सेलिंग प्र
products to the right customers. A company in a certain region may have a lot of customers and it is more dispersed. Individual access to each of the customer is not only high in cost but also insufficient. मतलब हम बहुत सारे कस्टमर्स को इंडिविजुअली नहीं हम उसके बारे में हमको असेस कर सकते हैं, बल्कि हम ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होगा और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा. आफ्टर द एग्जीबिशन ऑल द डीलर्स और कस्टमर्स कैन गैदर एंड डिस्कस वन बाय वन टू इम्प्रूव द असेस एफिशिएंसी एंड द नेगोशिएशंस. यानी कि सही ग्राहकों के लिए उत्पादों की बिक्री. अपने उत्पादों को सही ग्राहकों को बेचने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शनी के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र की एक कंपनी में बहुत सारे ग्राहक हो सकते हैं और ये अधिक फैला हुआ है. प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत पहुंच न केवल उच्च लागत में होती है बल्कि असक्षम भी है. सो प्रदर्शनी के बाद सभी डीलर्स या ग्राहक एक एक करके एकत्रित हो सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं. सेवेंथ, एस्टैब्लिश द ट्रेड कोऑपरेशन विद अदर्स. थ्रू द एग्जीबिशन वन कैन एस्टैब्लिश द ट्रेड कोऑपरेशन विद अदर्स आफ्टर फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स, distributors or other companies, and it can stimulate the company to develop new ideas. A detailed understanding of the company's product and market. Pradarshini ke madhyam se dusron ke sath vyapar sahyog sthapit kar sakte hain. Grahakon, vitrakon ya anya companies ke sath aamne samne ke sanchar ke baad ये कंपनी को नए विचारों को विकसित करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है और कंपनी के उत्पाद और बाजार की एक विस्तृत समझ होती है. थैंक यू.